हृदयारविन्दे शुभं भवानि सहितं नमामि यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधना आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि पूरे देश भर में जन्माष्टमी का त्यौहार जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज के दिन हमारे लड्डू गोपाल का जन्म दिवस है और उसकी खुशी की धूम जो है वो पूरे संसार में देखने को मिल रही है। और वहीं पर बात की जाए, हम आपको जम्मू शहर के अलग अलग जगहों पर लेकर जा रहे हैं। पहले हम आपको इस्कॉन टेम्पल लेकर गए थे और अब हम आपको राधा रुक्मणी जी के मंदिर लेकर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि राधा रुक्मणी जी का मंदिर जो है वो आप लोगों को पता नहीं होगा कि जम्मू में है। कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी। आपको बता दें कि पक्की डक्की स्थित यह राधा रुक्मणी का मंदिर है जो लगभग 200 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। तो आइए सीधा ले चलते और आज दिखाते हैं कि किस तरह से मंदिर को जो है सजाया गया है। कृष्ण भगवान जो है वो राधा रुक्मणी दोनों के साथ जो है यहाँ पर विराजित है और किस तरह से दर्शन जो है यहाँ पर दे रहे हैं। आज जन्माष्टमी का पावन दिन है, लड्डू गोपाल को भी जो है वो तैयार किया जा रहा है, सजाया जा रहा है। काफ़ी खूबसूरत मनमोहक दृश्य जो है इस मंदिर का है, तो सीधा आपको इस मंदिर में ले चलते हैं। और इससे पहले आपको दिखा दें कि यहाँ पर माँ तुलसी भी जो है वो विराजित है। वो कहते हैं कि जहाँ पर शिव जी का वास हो, भगवान का वास हो, राधा कृष्ण का वास हो, तो माँ तुलसी भी जो है वो वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करती है। और इसके अलावा आपको बता दें कि तुलसी की महिमा की बात की जाए तो श्री कृष्ण को जब भी भोग लगता है तो उस भोग में तुलसी माँ का होना जो है ज़रूरी, एक तुलसी का पत्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी अहम भूमिका निभाता है क्योंकि उसके बिना भोग स्वीकार नहीं होता ऐसा माना जाता है। तो सीधा हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर राधा रुक्मणी जी के दर्शन करवाने के लिए हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं, जो कितनी मनमोहक दृश्य जो है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और बिल्कुल सामने आपको दिखाएंगे लड्डू गोपाल भी जो है वो सजकर तैयार हो चुके हैं, माँ तुलसी को जो है इनके साथ में रखा हुआ है और आप देख पा रहे हैं कि कितना खूबसूरत इनका जो श्रृंगार किया गया है। हम देख पा रहे हैं कि कितना सुंदर दृश्य जो है, मनमोहक दृश्य जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि पूरे उत्तर भारत में ये एक ही एक ऐसा लोता मंदिर है जहाँ पर राधा और रुक्मणी दोनों श्री कृष्ण के साथ जो है यहाँ पर विराजित है। लगभग 200 साल पुराना ये मंदिर है, राजा के समय का जो है यहाँ पर बनाया गया है। तो हमारे साथ पंडित जी भी है विमल जी, इनसे भी जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ आज के दिन आशीर्वाद जो है ये देना चाह रहे हैं कृष्ण जी के ज़रिए से। जी सबसे पहले आपका स्वागत है बीच में। धन्यवाद पूजा जी। जी क्या कहना चाहेंगे आज विशेषकर लड्डू गोपाल का जन्म दिवस है? सबसे पहले आपके जितने भी इस जंग बाइट को देखते हैं, सब श्रोताओं को आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, विशेष करके जैन के धर्मार ट्रस्ट की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं तमाम भारतवर्षवासियों को। सर्वप्रथम जिनके हम सन्निग्ध खड़े हैं, ये एक हमारे उत्तर भारत का अद्भुत मंदिर है जो राजाओं और महाराजाओं की, हमें जम्मू कश्मीर के जितने भी डोगरा लोग हैं उनको जे उनकी डोगरा शासकों की देन है। पूजा जी, ये जो मंदिर है इस मंदिर का नाम राधा और रुक्मणी है। देखिए बीच में कृष्ण जी खड़े हैं, वंशी बभूषित करा नवनीर धावा, पीताम्बरा धरुण बिंब फला दरोष्टा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा धर्मेन्द्र नेत्रा, कृष्णा पितोहम न जाने। यस्य स्मरण मात्रेण यन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। राधा कृष्ण एवं रुक्मणी जी का जे एक अलौकिक मंदिर है, जे जो हमारे जम्मू कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह जी के द्वारा, उनके कर कमलों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ और इनकी प्रतिष्ठा की गई। आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के शुभ पावन अवसर पर आप आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम भक्तजनों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए ये जो मूर्तियां हैं, इसमें एक तरफ राधा जी हैं, माँ रुक्मणी हैं। जो राधा हैं वो लक्ष्मी स्वरूपा हैं,
जो रुक्मणी जी हैं वो महालक्ष्मी स्वरूपा हैं। तो भगवान विष्णु स्वयं नारायण जी का जे कृष्ण जी का पांचवा अवतार हुए, जो कृष्ण महाराज जी विष्णु जी के अवतार में पांचवा अवतार हुए, और तमाम भारत के जितने भी हमारे सनातन के जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से मैं आपके माध्यम से, आज बहुत बड़ा पर्व दिन है, भगवान के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं, जो हमारे भारतवर्ष में जो भी कठिनाइयां चल रही हैं उनसे नजातक मिले और हमारे विश्व में शांति हो, और जो भारत है पूरे विश्व में अपना नाम कमाए, और अपेतु जितने भी हमारे लोग हैं वो सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्य दुःख वा भवेत्। जय राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम आपको राधा रुक्मणी के मंदिर लेकर आए थे, जो पूरे उत्तर भारत में एक लौता मंदिर जो है वो जम्मू में स्थित है, जो राजा महाराजाओं द्वारा जो है वो स्थापित किया गया था। हमने यहाँ पर आपको बताया कि कितनी महिमा जो है वो श्री कृष्ण की है, और उनके साथ राधे भी हैं और साथ ही साथ माँ रुक्मणी भी है। तो सब पर आशीर्वाद जो है आप लोगों पर बरसे, हम यही कामना करते हैं कि सच्चे मन से जो भी उनसे प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना की पूर्ति हो। अगले बड़े लेकर फिर मैं आ जाऊँगी, तब तक के लिए आप देखते रहेंगे यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स चमक।